हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोरल ड्रॉ एक्स 5 में ड्रॉप डे शैडो इफेक्ट सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्लैंक पेज दिया हुआ है, हमें शेप ड्रॉ करना रहेगा। टूल बॉक्स में आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्टार का शेप दिया हुआ है, तो हम यहाँ से कॉम्प्लेक्स स्टार शेप पे क्लिक करेंगे। क्लिक कीजिए, अभी माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करके ड्रॉ कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पर स्टार ड्रॉ हो गया है। अगर कलर फिल करना है तो टूल बॉक्स में से एरो टूल लीजिए, कलर बॉक्स में से कलर सिलेक्ट कीजिए, कलर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यहाँ पर शेप्स दिए हुए हैं, प्रॉपर्टी बार में आपको शेप्स इंक्रीज करने हैं तो इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज करने तो डिक्रीज भी कर सकते हो। अप डाउन एरो से स्टार इंक्रीज डिक्रीज करने वो भी कर सकते हो आप, जैसे हमने यहाँ पर 2 स्टार लेके बनाया है। उसके बाद है शेडो इफेक्ट, टूल बॉक्स में से शेडो इफेक्ट पर क्लिक कीजिए और स्टार पर कहीं पर भी क्लिक प्रेस करके ड्रैग करिए। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शेडो इफेक्ट आ गई। शेडो को कलर देना है तो प्रॉपर्टी बार में कलर बॉक्स है, वहाँ से आप कलर दे सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कलर दिया है, डिफरेंट डिफरेंट कलर। आपको जो भी कलर चाहिए शेडो के लिए आप अपने हिसाब से कलर सिलेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर सिलेक्ट किए हैं। इस तरह से शेडो इफेक्ट्स को कलर हम दे सकते हैं। उसके बाद है प्री सेट्स दिए हुए प्रॉपर्टी बार में, जो भी साइड पे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट्स आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाएगा। यहाँ से आपको जो इफेक्ट सेलेक्ट करनी है आप सेलेक्ट कीजिए, प्री सेट इफेक्ट्स वो अप्लाई करके दिखा रहा है आपको, आप देख सकते हो। उसके बाद हम शेडो इमेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक कीजिए, इम्पोर्ट बटन पर क्लिक कीजिए और आपको जो इमेज पर शेडो अप्लाई करना है इमेज सेलेक्ट करके इम्पोर्ट पे क्लिक कीजिए और इमेज को यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉ करिए। आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज आ गई है। अभी हमें इमेज के ऊपर शेडो इफेक्ट देनी है तो शेडो बॉक्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ड्रॉ कीजिए ड्रैग करके। आप देख सकते हो यहाँ पे हाउस का शेडो बन गया है। आपको शेडो जहाँ रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हो ड्रैग करके। आप देख सकते हो हम कर्सर पकड़ के उसको ड्रैग करके रख रहे हैं। कलर चेंज करना है तो प्रॉपर्टी बार में से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हो जैसे हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो कलर अप्लाई हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर ब्लैक कलर सिलेक्ट करें, आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हैं। जैसे आप और सिलेक्ट करोगे तो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट दिखाएगा, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, आपको जो भी कलर अप्लाई करना है आप कर सकते हो। हम जैसे यहाँ पर नॉर्मल कलर रख रहे हैं तो हम यहाँ से ऑप्शन बार में जाके नॉर्मल पर क्लिक करेंगे, कलर इफेक्ट नॉर्मल यानी कि ब्लैक आ जाएगी। उसके बाद प्रीसेट्स दिए हुए हैं, प्रीसेट में से भी आप डायरेक्टली इफेक्ट्स दे सकते हो। जैसे हाउस की इफेक्ट आपको देनी है शेडो के लिए तो आप दे सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेडो इफेक्ट्स दे रहे हैं। अगर आपको उसको चेंज करना है, हम यहाँ से सेट कर रहे हैं हमारी खुद की इफेक्ट बनाने के लिए, तो आपको जिस तरह से शेडो सेट करना है आप खुद ही माउस का एरो ड्रैग करके आप सेट कर सकते हो। आप देख सकते हो हम यहाँ पर एरोस की इफेक्ट सेट कर पा रहे हैं ड्रैग करके। जैसे आपको सेट करनी है आप कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने एरो ड्रैग किया अपसाइड, ये हमारी इफेक्ट बन गई। अगर हमें इफेक्ट को ऐड करना है तो प्रीसेट के पास में प्लस ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए और आपने जो इफेक्ट बनाई है इफेक्ट को नेम दे दीजिए। जैसे हम यहाँ पर नेम दे रहे हैं होम, ओके दे दीजिए। अभी प्रीसेट पर क्लिक करके आप देख सकते हो हमने जो इफेक्ट ऐड की थी होम ऑटोमेटिकली वो ऐड हो गई है। ये हो गया इमेज इफेक्ट। नेक्स्ट हम टेक्स्ट इफेक्ट सीखेंगे। इमेज को रब कर दीजिए, टूल बॉक्स में से ए टूल लेके टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। हम टेक्स्ट पे भी शैडो अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं ईज्ञान, एरो पे क्लिक कीजिए और ड्रैग करिए साइज बढ़ाने के लिए। सेम प्रोसेस हम शेडो इफेक्ट के लिए, शेडो बॉक्स में जाएंगे, सबसे पहले कलर अप्लाई करिए। कलर अप्लाई हो गया, अभी शेडो बॉक्स पर क्लिक कीजिए, शेडो पे क्लिक करके आप ड्रैग करिए। यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेक्स्ट का भी शेडो बन गया है। को शेडो को जहाँ रखना है आप उसकी पोजीशंस चेंज कर सकते हो, कलर लाइट डार्क कर सकते हो, आपको जिस हिसाब से भी सेट करना है। कलर चेंज करना है तो कलर चेंज भी कर सकते हो, कलर सिलेक्ट करके आप उसको चेंज कर सकते हो शेडो का कलर। आप देख सकते हो यहाँ शेडो का कलर चेंज हुआ है। सेम वे हमें प्रीसेट में जाके भी अगर चेंज करना है तो हम प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, प्रीसेट पे क्लिक करेंगे, जिस हिसाब से हमें शेडो चाहिए हम वो शेडो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो शेडो इफेक्ट अप्लाई कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे शेडोज डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई हो रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इफेक्ट्स दी, बैकग्राउंड डाउन इफेक्ट। थैंक यू।